फिर बड़ा दलीलों ख्वार होना पड़ता है। नहीं नहीं, इसे पुलिस वाले आते हैं वो पैसे खा लेते हैं। पर पेट्रोल डलवा के आ रहे हैं। आपको लगता है कि मंजिल मकसूद जो इकबाल ने कही थी वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे? पाकिस्तान ऐसा करप्ट इदारा हो चुका है कि ना इतने हुक्मरान एक जगह टिकते हैं ना पेट्रोल वाले टिकते हैं। तेनों बड़ा शौक है टीवी नवे नवी नवी जगह आना। लेकिन अगर मैं किसी एजेंसी से जाकर 200 का भी पेट्रोल डलवा लूँ ना तो मुझे उस पर भरोसा नहीं है। बकर टेंशन लगी रहती है, पता नहीं मैं यहाँ रुक जाता हूँ, मैं यहाँ रुक जाता हूँ। सर जी, मेरे ख्याल में तो पेट्रोल के अंदर कोई ना कोई मिक्सिंग होती है। पहली बात तो है कि उनकी मेजरमेंटे ठीक ही नहीं होती। पहली बात तो यह है एयर कॉलोनी, ये तो छोटे लेवल पे है। जो बड़े पंपों वाले वो भी ये करदार अदा करते हैं। पैगाम है कि वो कुछ ना कुछ तो खुदा का खौफ करे। 2000 यूनिट फ्री दे रहे हैं। वो यतीम है, वो तनख्वाह नहीं लेते गवर्नमेंट के इदारों से। फिर फैमिली को आप धूप में और गर्मी में डिस्टर्ब हुई नहीं सर, सवाल ही पैदा नहीं होता। पेट्रोल डलवाते हैं तो पूरा नहीं डालते, कम डालते हैं। इसी वजह से ये बाइक को बंद करके घर में रखा हुआ है। पैदल आ जाते जाते इतनी गर्मी है। इतनी उदासी कहाँ से आ गई आप? वो पेट्रोल पूरा नहीं होता, पता नहीं ये पेट्रोल भी ईरान से आ रहा है या कहाँ से लेके आ रहे हैं। उनसे कहते नहीं कि भाई मैं तो बोतल चुपवाना, करने को कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम बहुत बिजी हैं। बिल्कुल इसी वजह से चल रही है, कंप्लेन ही कोई नहीं करता। पैसे भी दिए और पेट्रोल भी कम मिला है। पंप पे तो कोई नहीं, हम जलसी को चले हैं, वो भी पेट्रोल पूरा पाते हैं कि नहीं पाते। लीटर के बदले पौना लीटर ही देते हैं, लीटर पूरा तो होता ही नहीं है ना। तो पेट्रोल पंप वाले पूरा देते हैं तो ना यही देते हैं आगे। पुलिस वाले सीधे तो छिल्लर चाहिए होते हैं, पैसा चाहिए होता है, बस ये रिश्वत लेके चले जाते हैं बस। सारे पता नहीं इनके साथ मिले हुए हैं, रोज सुबह के टाइम आते हैं, पुलिस वाले भी आते हैं, मंथली वगैरह लेके चले जाते हैं इनसे। कोई फैमिली साथ बैठी भी, मैंने इनसे फ्यूल डलवाया है, पूरे पंप तक भी, पेट्रोल पंप तक भी नहीं जाती वो, बाइक बंद हो जाती है, रिक्शा भी बंद हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम मौजूद नाजरीन, स्टार एशिया न्यूज़ की तरफ से सुल्तान बादशाह आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मौजूद नाजरीन, हम आज इस मुल्क की तबाही के जिम्मेदार ढूंढने की तरफ निकले हुए हैं। आप समझेंगे कि हम हुक्मरानों पर तनकीद करेंगे, हम आवाम के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे जी मुल्क की तबाही का जिम्मेदार कौन है, तो वो सारे कहेंगे जी ये हुक्मरान फलाना, ये सारे मुल्क की तबाही के जिम्मेदार हैं। कोई कहेगा जी जो बानी पीटियाँ हैं वो हैं, कोई नवाज शरीफ का नाम लेगा, कोई जरदारी का नाम लेगा, कोई मुशर्रफ का नाम लेगा, कोई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा करेगा। आज हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। मौजूद नाजरीन, आज हम एक अहम जो मौजू है कि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, दूसरा अवाम ये जो निजी पेट्रोल पम्प हैं जो बोतलों के अंदर जिन्होंने फ्यूल रखे हुए हैं या ये छोटी मशीनें हैं, आज हम इनके ख़िलाफ़ बात करेंगे। अवाम से जानते हैं कि इनको ये जो फ्यूल है क्या ये पूरा मिलता है या नहीं मिलता। जानते तो आप भी सब कुछ हैं और हम भी सब कुछ हैं। आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ये जो मौका प्रस्ती है ये तो आम आवाम कर रही है ना, कि उन्होंने देखा जी पेट्रोल पंप दूर है, छोटा पेट्रोल पंप है, वो उन्होंने वो फ्यूल बेच रहे हैं, महंगा भी बेच रहे हैं, मकदार भी कम बेच रहे हैं, ईरानी पेट्रोल भी बेच रहे हैं। तो इस हवाले से आज आवाम के पास जानते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि ये सारा क्या मामला है, इसके अंदर जो कसूरवार है वो कौन है, अदारे क्यों खामोश हैं। इन्हीं सब सवालात के जवाब जानते हैं आवाम के पास। आइए मेरे साथ।